आज हम लोग पढ़ेंगे 43 एंड 44 एफोरिज्म, बट इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा है उसे थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। रिवाइज करके तब आगे बढ़ेंगे, चीज़ें समझ में अच्छे से आएंगी। तो हम लोगों ने 36 एफोरिज्म में पढ़ा था कि बॉडी के अंदर, देखो 36, 38 और 40 एफोरिज्म पढ़ते हैं कि क्या होगा, पॉसिबिलिटी क्या है अगर दो डिसिमिलर डिजीज बॉडी के अंदर मीट करती हैं। और 43, 44 और 45 में पढ़ेंगे कि क्या होगा अगर दो सिमिलर डिजीज बॉडी के अंदर मीट करती हैं। तो 36, 38 और 40 में क्या था, डिसिमिलर, दो अपोजिट बीमारियां। और 43, 44 और 45 में पढ़ेंगे अगर सिमिलर डिजीज बॉडी के अंदर मिलती हैं तब क्या होता है। तो 36 में हम लोगों ने पढ़ा था कि बॉडी के अंदर अगर पहले से एक स्ट्रॉन्गर डिजीज है और जो नई डिजीज आ रही है वो वीकर है, तो बॉडी के अंदर जो पहले से स्ट्रॉन्गर डिजीज है उस नई डिसिमिलर डिजीज को रिपेल कर देती है। 38 एफोरिज्म हम लोगों ने पढ़ा कि बॉडी के अंदर का जो डिजीज है वो वीकर है और जो नई डिजीज आ रही है वो स्ट्रॉन्गर है, तो ये स्ट्रॉन्गर वीकर वाले क्या कर देती है, सस्पेंड कर देती है। और 40 एफोरिज्म में पढ़ा हम लोगों ने कि अगर दो डिसिमिलर डिजीज बॉडी के अंदर लंबे समय तक एक्ट करती हैं एक क्रॉनिक केस में, तो वो दोनों आपस में मिलकर एक डबल कॉम्प्लेक्स डिजीज का फॉर्मेशन करती हैं। ऐसा क्यों होता है, तो उसका एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने पढ़ा 42 एफोरिज्म, क्योंकि ये इटर्नल लॉ ऑफ नेचर है, ये नेचर का लॉ है कि अगर दो डिसिमिलर डिजीज मिलेंगी तो पहली पॉसिबिलिटी है कि बॉडी रिपेल कर दे, सेकंड पॉसिबिलिटी है जो नई स्ट्रॉन्गर डिजीज है सस्पेंड कर दे, और तीसरी प्रॉपर्टी है कि वो दोनों आपस में मिलकर कॉम्प्लेक्स डिजीज का फॉर्मेशन कर लें। बट हम लोग 44 एफोरिज्म पढ़ते हैं तो यहाँ पर हनीमैन सर बताते हैं कि ये तीनों चीजें नहीं होंगी, ना वो दोनों एक दूसरे को क्योर करेंगी, ना एनहेलेट करेंगी, और ना ही वो दोनों आपस में मिलके कॉम्प्लेक्स डिजीज का फॉर्मेशन करेंगे। तो पढ़ते हैं 44 एफोरिज्म। टू डिजीज सिमिलर टू ईच अदर, अगर दो बीमारियां सिमिलर हैं एक दूसरे के, ठीक है, कैन नाइदर रिपेल वन एनदर, एक दूसरे को वो रिपेल नहीं करती, तो ब्रैकेट में क्या लिखा है, एज इज असर्टेड ऑफ द डिसिमिलर डिजीज इन वन। तो डिसिमिलर डिजीज में क्या था, रिपेल कर देती थी, बट अगर दो सिमिलर डिजीज मिलती हैं बॉडी के अंदर तो ना वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं, नॉर सस्पेंड वन एनदर, और ना ही वो एक दूसरे को सस्पेंड करती हैं। तो सस्पेंड वाला केस कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने, 38 एफोरिज्म में, तो को ब्रैकेट में हनीमैन से क्या लिखता है, एज सोन ऑफ डिसिमिलर डिजीज इन सेकेंड। और थर्ड केस में हम लोग क्या पढ़ते थे कि दो डिसिमिलर डिजीज मिलकर कॉम्प्लेक्स डिजीज बना देती हैं, बट सिमिलर डिजीज के केस में ऐसा नहीं होता। तो देखो टू डिजीज सिमिलर टू ईच अदर नाइदर रिपेल वन अनदर एंड नॉर सस्पेंड वन अनदर सो दैट ओल्ड वन सेल रिटर्न आफ्टर द न्यू वन हैज रन इट कोर्स, उसके बाद कोर्स, एंड जस्ट एज लिटिल कैन टू सिमिलर डिजीज एग्जिस्ट बिसाइड ईच अदर इन द सेम ऑर्गेनिज्म आर टूगेदर फॉर्म ए डबल कॉम्प्लेक्स डिजीज, और ना ही दो सिमिलर डिजीज आपस में मिलकर डबल कॉम्प्लेक्स डिजीज का फॉर्मेशन करती हैं। तो डिसिमिलर डिजीज केस में क्या होता था, या तो एक दूसरे को रिपेल करती थी या एक दूसरे को सस्पेंड करती थी और आपस में मिलकर कॉम्प्लेक्स डिजीज बनाती थी। बस सिमिलर डिजीज के केस में क्या था, ना वो एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, ना एक दूसरे को सस्पेंड कर रही हैं, और ना ही मिलकर बॉडी के अंदर क्या कर रही हैं, एक कॉम्प्लेक्स डिजीज का फॉर्मेशन कर रही है। तो सिमिलर डिजीज के केस में ये तीनों चीजें होंगी और कॉम्प्लेक्स डिजीज केसेस में ये तीनों चीजें होंगी, सॉरी डिसिमिलर डिजीज के केसेस में ये सारी चारों चीजें, सॉरी तीनों चीजें होंगी, ठीक है। तो जैसे हम लोग पढ़ते थे 36, 38, 40 में पढ़ते थे, उसका एक्सप्लेनेशन 42 में हनीमैन सर ने दिया था, क्या कि ये नेचर का लॉ है इसलिए ऐसा होता है। तो जो 44 में हो रहा है, ना एक दूसरे को वो रिपेल कर रही हैं, ना वो एक दूसरे को सस्पेंड कर रही हैं, ना कॉम्प्लेक्स डिजीज बना रही है, ऐसा क्यों, तो उसका एक्सप्लेनेशन हनीमैन सर देते हैं 45 एफोरिज्म में, ठीक है। तो अगला लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे 45 एफोरिज्म।